बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि जहाँ भी आप होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी अपनी होस्ट और आपका अपना चैनल, इसमें मैं आपको वेलकम कहती हूँ। और 2:25 इधर हो गए हैं और आज जुम्मा है, सबको जुम्मा मुबारक। कल हम गए हुए थे मेहंदी पर, मेहंदी का फंक्शन था। हमें दो शादियां सेम एक ही डेट पे आई हैं, एक लाहौर से बाहर है और एक लाहौर में है। लाहौर से बाहर लड़के की है और लाहौर में हमारे कज़न की बेटी की है और अली के मामू के बेटे की शादी है। तो आज सेम डे को ही उनकी बारात है। तो अली और मुजम्मी मुदसर गए उनके साथ फैसलाबाद, उनकी बारात आनी थी फैसलाबाद झंग में, वो रहते हैं तो वहाँ शिरकत करके वापस आएंगे और फिर हम इधर अपने कज़न की बेटी की शादी पे जाएंगे। उनकी भी आज बारात है तो घर में सिर्फ मैं और फातिमा है, हम तैयारी करेंगे। और ये कल का सामान देखें, बिखरा पड़ा है मेरा सारा ज्वेलरी का, इसको मैं समेटूंगी। और आज बारात पे जो फंक्शन पे कपड़े पहनने हैं वो अभी रेडी करने हैं और निकले हुए हैं, बस प्रेस प्रुस करके रखेंगे और ज्वेलरी वगैरह जो पहननी होगी वो निकालेंगे। और ये देखें बाकी सामान सारा इधर ही बिखरा पड़ा हुआ है। और ये कल मैंने बनाना लिए थे और सर में बड़ी दर्द थी शादी पे पहुंचने से पहले पहले, मैंने कहा चले कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का, तो ये भी उसने ना कच्चे दे दिए। और फातिमा का कल फंक्शन भी था, स्पॉट डे था वीवर्स, और मैं आपको उनको उनकी ट्रॉफी और सनद दिखाती हूँ जो उनको स्कूल से माशाल्लाह से मिली है। फातिमा को स्पोर्ट्स रेस थी फातिमा की क्राउन की, तो ये देखें फातिमा का कप और ये फातिमा की शील्ड ये देखें, और ये दो शील्ड फातिमा की इधर पड़ी हैं, एक इन्होंने पहले भी पार्टिसिपेट किया था वो भी, और ये देखें सेकंड पोजीशन ली है क्राउन रेस में फातिमा ने माशाल्लाह से। और 3B में फातिमा है और ये देखें बड़ी खुशी हुई कल जैसे ही फातिमा को जब उनकी सेकंड पोजीशन आई और उनको जब ये कप प्रिंसिपल दे रही थी और साथ में शीर, तो मेरे दिल की धड़कन बड़ी तेज़ हो गई थी और व्यूअर्स खुशी के आंसू और दिल भी मेरा ज़्यादा धक धक धड़क धड़क कर रहा था कि वो खुशी क्या खुशी होती है ये आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ। अनमोल और अजीब बड़ी प्यारी खुशी थी मेरी कल माशाल्लाह से। मुदसर तो चले गए हैं शादी पर और उनके कबूतरों का जाके हवाल पता करते हैं, कबूतर की साल में उनको दाना पानी डाला है कि नहीं डाला, तो अभी जाके चेक करते हैं। यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय और चाय पीने के बाद फिर चलते हैं ऊपर छत पर। मैं आई हूँ ऊपर और बेचारे कबूतरों को कुछ भी नहीं डाला हुआ था, तो ये दिल में मेरे आया कि मैं ख़ुद चेक करती हूँ, बल्कि मैंने उसे कहा था कि मुदसर इनको डाल के जाना, तो ये मैंने पानी लाई हूँ नीचे से इनके लिए ठंडा ताज़ा। और ये मैंने बाजरा ढूंढा और ये मुझे मिला, इनका पेट भर जाएगा। मैंने कहा था अंदर ही रख दो इनके घर के, तो वो बेचारे देख रहे हैं, ये देखें आगे तक आए हुए हैं, भूख इनको कितनी लगी होगी, तो इनको अब दाना डालते हैं जल्दी से। ये गेट खोल के आ आ आ आ आ आ आ आ देखे कितनी इनको भूख लगी हुई है। ये पानी भी रख दिया इनके पास। और कैसी हो तुसी, आ जाओ दाना खाओ पानी पियो। तो मुझे फिक्र इनकी लगी हुई थी कि बेचारे भूखे होंगे, वाकई ये भूखे थे। ये देखें भूख इनको लगी हुई है। तो मुदसर की आज खैर नहीं है, आए तो सही शादी पे गया और इसको जानवरों का पता नहीं है। देखे ज़रा कितनी इनको भूख लगी हुई है। मैंने कहा था इनके अंदर ही रख दो कुंडी बाजरे की भी और मैं पानी की भी। चलो ये खा लें पेट भर लें फिर इनसे मिलते हैं। देखें कैसे इनको भूख लगी हुई है, देखें देखें। नहीं ये तो बाहर आने की कर रहा है। चलो पानी पियो दाना खाओ बाहर नहीं आना। रानी खाना खा रही है और शहजादा शहजादी हैं, राजा ने ये पानी पी रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मुझे खुशी हो रही है इनको दाना पानी डाल के, बेचारे कितने भूखे थे। तो मैंने कहा भी था कि इनके अंदर ही इनके ना घर के अंदर ही रख दो चीज़ें कि ये आराम से खाया करें। लड़ाइयाँ नहीं करनियाँ,
मिलके खाओ मिलके। रानी लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, सबका खाना है, सब खाएंगे। ओ लड़ाइयाँ कर रही हो, माशाल्लाह मिलके खा रहे हैं। हाँ मिलके ही खाओ, मिलके खाओ, सबका दाना है, सबका खाना है, सब खाओ मिलके। चलिए अब मैं जाती हूँ नीचे और जाके अपनी तैयारी करते हैं। और आज शादी पे हम जाएंगे, तो अगर वीडियो बना सके तो फिर ज़रूर आपके साथ कल शेयर करेंगे हम बारात की वीडियो। वहाँ गाने बहुत लगे होते हैं, कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए फिर मैं बना नहीं सकी। तो लेडीज़ होती हैं तो इसलिए ज़रा वीडियो नहीं बना सकती मैं शादी पे जाने की। तो कोशिश करूँगी कि अगर बन जाए तो फिर ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा ना चीज़ को, तो ज़िंदगी रही तो फिर होती रहेंगी इसी तरह मुलाकातें। तो जो चैनल पर न्यू है जो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अल्लाह ताला आपको मुझे दुनिया जहाँ की खुशियों से मारा मार करे, जान मार दो, तुला तुम्हें बरकत अता फरमाए, अपनी रहमतों के साए के नीचे रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।